आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तालियां बजा दिया करो यार। कैसे आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम हाजिर हजरात, मैं हूं मुर्तजा चौधरी एंड मुस्तफा चौधरी। दिस इज M&M शो आन नेटवर्क के ऊपर। ये शो आपको हर हफ्ते मिलता है और आन तो है रिश्तों की पहचान। बिल्कुल ऐसी उनका काम है कि फैमिली को जोड़ के रखना, जो फैमिली टूट चुकी है। नहीं, टूट कई लोगों की, वैसे कई लोगों की टूट चुकी है, बट उनका पर्पस ये है कि जो टीवी का एक कॉन्सेप्ट आज से पहले होता था जब सब मिलके लोग टीवी देखते थे, वो चला गया है कहीं। अब आपके ऐसे लोग छुप के कुछ और देख रहे होते हैं, बच्चा कुछ देख रहा है, बड़ा कुछ देख रहा है, दादी कुछ देख रही है। तो हमारा पर्पस ये है कि जो कुछ देख रहा है वो उसको काट के आगे भी भेज रहा है, बट वो रिश्तों को आपस में जो इंटैक्ट करना, और बिल्कुल बहुत जरूरी रिश्ते आपस में, बिल्कुल। और वो जब टीवी देखते हैं, ये एक ऐसा यानी कि ये जो जैसे रिश्ते कराने की बीमारी होती थी एक किसी दौर में, हमारे अब नहीं है। हमारे चैनल का वो रोल है बिल्कुल ऐसे। बल्कि आज के शो में तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं खूबसूरती की, रिश्तों की भी खूबसूरती होती है, बिल्कुल ऐसे उनकी एक पहचान शान होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ लोगों की जाहिरी खूबसूरती होती है, कुछ लोगों के अंदर खूबसूरती होती है, जैसे आप हैं। हाँ, मेरे अंदर खूबसूरती है, ठीक है। लेकिन जैसे खलील रहमान कमर है, दोनों तरफ शख्सियत बाहर ही नहीं आती। तो उसके अंदर जब आपकी जाहिरी खूबसूरती है, जैसे हम मेकअप कहते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल है। और जब आप इन सेलिब्रिटीज को देखते हो और एक्टर्स को देखते हैं, तो आप कहते हैं कि यार कैसा बंदा है, आई विश इसने मेकअप किया होता। लेकिन हालांकि उसने 6 घंटे मेकअप पे जाया किया होता, फिर वो अंदर से प्यारा होता है। ये मेकअप तो उसको सिर्फ एक एड ऑन चीज है ना, आपको अंदर से प्यारा। कौन सी आंखें हैं जो अंदर तक देख लेती हैं? ये सबा कमर है, वो अंदर से उनकी खूबसूरती है। आप मिले हैं कभी उनसे? मैं देखा है उनको। अच्छा, मतलब उनकी शख्सियत की बात कर। अच्छा, शख्सियत अच्छी शख्सियत है। जैसे हम मेकअप और उसकी बात कर रहे हैं, आजकल बड़ी बात होती है कि जी किसी ने अपने नए होंठ लगवा लिए, नाक बड़ा लग रहा है आजकल। वैसे नाक कट भी बहुत रहा है, लेकिन लग भी बहुत रहा है। नाक लग गया, होंठ किसी ने यहाँ लगा लिया एक्स्ट्रा, और बड़े अच्छे महविश रियाज एक अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा काम है। बहुत जाहिरी भी और वैसे भी, आई हैव नो डाउट कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। बिल्कुल, तो बहुत जबरदस्त है। कुछ लोग वैसे ही खूबसूरत होते हैं दिखने में, नहीं वैसे अंदर बाहर दोनों। तो आज हमारी तो बड़ा काम कर रही है महविश, तो क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है बाहर। हां, अभी पिछले दिनों यूके गई है, वो पहुंची और क्वीन चली गई। कहां चली गई? अच्छा, गुजर गई। लेकिन देखें, अब आपने अच्छी बातें करनी है, क्योंकि हमारा जो है ना वो फैमिली टीवी है। एग्जैक्टली, आपने ये कहा था कि ये शो भी थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि क्योंकि बातें करनी है हमने कुछ ज्यादा। आपने गंदगी नहीं करनी, सही, इसके बारे में आप मशहूर है, बदनाम है। मैं अच्छी बातें करनी है, और आज जो हम जिन लोगों को बुला रहे हैं बड़े मजेदार लोग हैं। अच्छा, वो बेसिकली जाहिरी खूबसूरती पे काम करते हैं समाओ, और उनका ताल्लुक मेकअप से भी है। ठीक है, ऑब्वियसली जाहिरी खूबसूरती आए, हमारे बड़े बड़े एक्ट्रेस को मेकअप करते हैं। ठीक है, और एक दूसरी खातून जो है वो भी मॉडलिंग से उनका ताल्लुक, जो बहुत ही अच्छे दौर में अमेजिंग उन्होंने रैम्स की और मॉडलिंग की, बट वो भी अब जाहिर चीज़ों पे आ गई। ये वो हैं जो लोगों को बिगाड़ रही हैं कि आपने कान थोड़ा नीचे होता आपका तो बड़ा अच्छा लगता, तो पोषण का चक्कर है ना। ठीक, अब आपका एक कान इधर जा रहा है किधर जा रहा है, आप कैसे लगेंगे? मेरी कोई चीज़ इधर उधर नहीं जा रही जो ना जाने वाली है, जाने वाली। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज अपने गेस्ट को बुलाते हैं और मजेदार है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो जाहिर खूबसूरती है इसके बारे में आपका क्या राय है, और क्यों करते हैं, और आप इतने अरसे क्यों कर रहे हैं, और ये जो हम ये टॉपिक है आज का, यानी कि मैं बातचीत करेंगे उनसे। ठीक, क्योंकि तो आजकल हमारे हर मसले हर घर की इशू है, हर घर के आते किसी को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक लग रही है बट हमारा नाक जो है ना थोड़ा इधर होता तो अच्छा। तो हम इसको हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि नाक किधर होना चाहिए, कान किधर लगाना चाहिए, जो क्या कहते हैं उसको, नोज जॉब। जॉब्स की बात नहीं कर रहा, वो नोज जॉब होती है। जॉब तो होती है, मतलब पूरा ओवरऑल इस सारे मामले को, इस इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स। और उनके खुद भी बड़े अच्छे एंजॉय करती हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने बड़ा काम किया अपने। जबरदस्त। तो ख्वातीन हज़रात, आज के हमारे बहुत मजेदार और हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े अच्छे लोग, दिली तौर पर मैं बात कर रहा हूँ नादिया हुसैन साहिबा की और वकार की। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया एंड वकार, अगर आप तशरीफ लाए हमारे इस घर में। अस्सलाम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? कैसे? हेलो, क्या हाल है? दोनों के सामने हमें खड़े होके हाय बाय बाय। कैसे? अजीब लगता है क्या, मैं पहले बताए थे, मैं थोड़ा सा
मैं यही कह रहा था कि होना चाहिए था ना मेरी हाइट कितनी है। नहीं पता है लेकिन हम क्या कुछ कर नहीं सकते ना। ना हाइट का ना वेट का। नहीं वेट भी आपकी पर्सनालिटी के साथ जा रहा है। कैसे हैं आपका? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो तो है आप इसमें कोई शक नहीं। पीछे से ज्यादा अच्छे लगते हैं आप, है ना? मैंने देखा था आप जा रहे थे बड़े प्यारे लग रहे थे। नहीं नहीं वैसे आप बस मेरी आंखें और मुंह नहीं है वरना पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा वो यूजुअली होता है कि अब हमने बहुत सारे शोज देखे हैं जो मैं बात भी कर रहा था इनसे कि यार वो सिर्फ वो इधर उधर की बातें हम ज्यादा करते हैं, बट मेरी तो ख्वाहिश थी कि कभी आपसे इस तरह की मुलाकात हो। तो वो जो हम बात करते ना कि बड़े आराम से कहते हैं यार वो एक मॉडलिंग पाकिस्तान के अंदर उस पर्सपेक्टिव में जिस वक्त आपने ये शुरू किया तो वो कितना डिफिकल्ट चीज़ थी और किस तरह किया है, वो क्या होता है, उसकी साइंस क्या है, वो एज अ आम ऑडियंस मुझे नहीं पता उसके लिए क्या लवाजमात होनी चाहिए और आज के दौर के लोग कैसे कर रहे हैं मुख्तलिफ सवाल। सो आई थिंक दैट फैशन इंडस्ट्री जब से मैंने ज्वाइन की थी और अब तक चाहे वो फैशन इंडस्ट्री बहुत बदल गई है। क्योंकि आई वुड से कि हमारे ज़माने में मॉडल्स बहुत कम थी और बहुत अल्लाह ने काफी बरकत दी है, काफी हो गई और एक जैसी हो गई बहुत बरकत दी और एक जैसी हो गई है। आप पहचान नहीं सकते कौन कौन आते तो मुझे याद है एग्जैक्टली आई डोंट नो आपको याद आपको नहीं याद होगा। अब एक संडे टाइम्स के अदनान मलिक और हमने आपके साथ डॉक्यूमेंट्री की तो मैंने पहली दफा आपको रैंप पे देखा था and I was shocked के यार मतलब उसके अंदर एक और एक personality। अब तो तुमने ये loves cover कर दिया ना, I was shocked। असल में तुम टोन हो गए थे। नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब अब बनता भी है। बनता भी है exactly। Sorry आपकी बात ये बहुत बीच में बोलता है। इनसे मेरी तीन चार शोज में मुलाकात हो गई है। अच्छा। कजन वाला फील आ रहा है, बोली शादी में मुलाकात हो गई। हाँ regularly। मजाक की मुलाकात। Sorry, so, अब जो है वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई थिंक यू नो लाइक अब जो है वो बहुत सी जो लड़कियां हैं लड़के एज वेल वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो वो अपने आप को जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं यू नो लाइक इट्स नाउ बिकम अ वॉर ऑफ सोशल मीडिया। सो अब जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जो है वो यू नो लाइक अप्रोच किया जाता है कि हमें आपसे एंडोर्समेंट करानी है या शूट करानी है या व्हाटएवर। पहले जो था वो ये नहीं था बिकॉज इट वॉज द पावर ऑफ प्रिंट मीडिया एंड उस वक्त भी एक्चुअली आई कांट से कि उस वक्त कोई एक मोनोपोली या यू नो लाइक इस किस्म की ग्रुप्स वगैरह नहीं थे जो एक दूसरे को प्रमोट करते थे, उस वक्त भी था लेकिन आई थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ मॉडल्स मे बी वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज यू नो जो वो लोग चाहते थे जिस किस्म के लोग जो हैं वो आए इंडस्ट्री में वो उन्हीं को ही सेलेक्ट करते थे, उन्हीं को ही मौका आगे देते थे। सो दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी, इट वाज वेरी सिलेक्टिव एक्चुअली। इंडिया ने लेकिन इस चीज को ब्रेक किया था, सुनील शेट्टी जैसा बंदा भी हीरो बनना होगा। बट आपने भी सोशल मीडिया की जो बात कर दी, मेरे ख्याल में उस दौरान तो फिल्टर भी नहीं होते थे तो मॉडल कैसे बनते। इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा दिया तो मैं भी मॉडल बन गया लेकिन इट वाज डिफरेंट। या इट वाज मॉडल्स जो थी जितनी भी थी जैसे सुनीता रबाब विनी ज़ोइला नादिया ये इनके साथ जब हम काम करते थे एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी हम लोग काम के साथ तो बहुत ओवर प्रोफेशनल। कभी इन्होंने नहीं कहा कि नए लॉ में लिपस्टिक लगा लूँ, अगर मैं खड़ा लिपस्टिक लगा रहा हूँ तो वही लगेगा। तो मुझे लगता है कि पहले प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था इन लोगों की वजह से कि इन लोगों ने बहुत बहुत प्रोफेशनल लेके चलते थे चाहे शूट हो चाहे कुछ हो। मैंने नहीं कभी देखा कि नादिया मेरे साथ शूट पे हो या इरेज भी नहीं हो तो उनको कि मुझे तो फना चीज खानी है मुझे फना जगह बैठना है। हमने पहाड़ियों पे और पत्थरों पे बैठ के भी इनकी मेकअप। और प्लस अब तो मैं कहता हूँ एक फ्लाइट पे आप लाहौर जा रहे हो तो 10 मॉडल मिल जाते हैं। उस दौर में हम इनको देखते थे हम कहते थे कि यार मतलब हमें भी नजर आ गई हमें। मैंने आपको कहा ना कि अब जो मैंने बड़ी छोटी सी बात कह दी निकल गई आराम से कि अब सब एक जैसे हो गए। आप मॉडल्स पे देखें तो मेकअप पहले मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत ज्यादा वैरायटी देने का मौका मिलता था अपने एक्सपेरिमेंट्स करने का। अब क्योंकि सब चीजें फिक्स हो गई हैं सब एक जैसे तो मुझे तो बहुत से के नाम भी नहीं पता मुझे लगता सब एक जैसे। आप एक्टिंग भी करते हैं आप मेकअप भी करते हैं और आपका सैलून भी है। मैं चलाक हूँ बेसिकली। मैं आप अगर एक चीज और करते ना आप अली जफर को बीट कर देते। क्या डायरेक्शन? शुक्र है जिसके अंदर सब कुछ होता है नेल कटर भी होता है। वाकई आ रहा है। अब मैं अभी आपको एक सीरीज देख रहा था आई डोंट नो यहाँ पे आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं बिल्कुल बट वो इस किस्म का कंटेंट है अगर आपको वक्त मिला आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं
कि वो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है करना। बेसिकली पाकिस्तान में बड़ा ग्रेट एक्टर, एज एन एक्टर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं बहुत एक्सीडेंटली आया था। वैसे तो अदाकार बहुत था, क्यों लगा इतने सारे लोग हैं, मतलब आप मुझे मुझे कमी लगी आप? नहीं, मुझे एक्टिंग में आने का कोई ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, शौक नहीं था भाई इनका, कोई शौक नहीं है इनको, कोई कास्ट ना करे बस। एक्चुअली क्या होता है कि मैं एक वो था टीवी की टेलीफिल्म थी, उसमें मारिया वास्ती मेरे साथ थी। तो मारिया ने मुझे कहा कि मुझे ना इसमें एक रेड लाइट एरिया की लड़की का एक मैनरिज्म रखना है और मेकअप वैसे रखना है, तो तुम आ जाओगे सेट पे। तो रमजान थे तो मैं फ्री भी था, मैंने कहा ठीक है मैं आ। तो मैं मारिया को बता रहा था, लेकिन देखो मारिया जो इस तरह की औरतें होती है ना, वो जो हैदराबाद के सिरे घाट का दिखाया था, तो मैंने कहा वहाँ की औरतों को हिजड़े ट्रेन करते हैं, तो उनका हाव भाव साथ साथ आपने पता भी बता दिया हैदराबाद। तो मैंने कहा ये चीजें इनके अंदर ऐसे होते हैं, इनको ऐसे बोलो ऐसे। तो वो डायरेक्टर बैठे थे, फंसी और मजहर दोनों, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा आप मेरे साथ टेलीफिल्म करेंगे? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैंने कभी एक्टिंग की नहीं। कह रहे वो हम करा लेंगे। तो वो टेलीफिल्म की, उसके बाद खुदवी साहब की विवाह किया, वो लंबा वो बहुत जबरदस्त है। आप आजकल किस तरह के रोल कर रही हूँ यार? उसके अलावा मुझे भी एक सवाल आपसे, आपने सारा कुछ किया, आपने मतलब You name it, कि आपने एंडोर्समेंट से लेके, बल्कि आपने तो लोगों को गालियां तक दी हैं कमेंट से। एग्जैक्टली भाई, आपने सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां भी बड़ी दी हैं, वो भी एक लाइक, वो ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही होना चाहिए, शट अप कॉल देनी। पर आपने एक्टिंग नहीं की वैसे? फिल्म में, हाँ फिल्म नहीं की, मतलब एक्टिंग की है लेकिन फिल्म नहीं की, बिकॉज आई फील के फिल्म में जो मुझे रोल्स जो भी ऑफर हुए वो आई वॉज नॉट रियली, मतलब मुझे वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे कि मैं वो बड़ा टाइम निकाल के और एफर्ट करूँ क्या और फिल्म में मैंने, तो मुझे उसकी वजह से नहीं करनी थी फिल्म कि मुझे भी ऐसा कोई रोल मिल जाए। अब ये ड्रामो में किस किस्म के रोल कर रही हैं आप? ड्रामों में जो मुझे रोल मिल जाते हैं, हमेशा मुझे बदतमीज टाइप रोल्स मिले हैं, हमेशा नेगेटिव टाइप, अब भी वैसे मिलते हैं। का एक कैरेक्टर अगर आप लोग देखें मेरे साथ ही, मिठू आपा हम दोनों ने किया था, लेकिन हमारे सीन नहीं थे उसके साथ। मिठू आपा में जो नादिया ने एक्टिंग की थी ना, मतलब उस वो एक स्टार एक चीज थी, पान खाया था और बड़े मजे किया, फुल टाइम जॉब ना आपके साथ। हालांकि आप पान खाने वालों को अच्छा नहीं समझ रही, क्योंकि ये पुल के उस तरफ रहती है, लेकिन वो मैं तो फिर इसी वही वाली रोल अदा कर रही थी, और फुल साड़ी और फुल गुलाब। अच्छा मजहर तो जब कराते हैं काम, तो मजहर ना और एक उनके दिमाग में एक औरत का और एक कैरेक्टर का अलग प्रोफेसर होता है, वो अपने हिसाब से बनवाते हैं पूरा। और वो क्वेश्चन में काजल भी लगाया था और फूल भी लगाया था, पान भी खाया था और बड़ी बड़ी ज्वेलरी और झुमके और बहुत ज्यादा ना हाथों में। अब भी आपको अगर कोई कुछ कहे इस तरह की चीज दे तो आप करेंगे? हाँ हाँ, बहुत शौक से। उससे मैं हट कर काम जरूर करना चाहती हूँ, बट नहीं आया वो, है नहीं वो ही कह रहा हूँ। उनकी सीरीज आप देखें इतने मजे की, बल्कि उसमें तो कुछ एक आध जी, मैं बेसिकली जब मैंने वो आप बताए ना उसके बारे में, चिंटू की मम्मी के नाम से एक सीरीज है जो टॉपिक ऑनलाइन है अभी यूट्यूब पे। चिंटू की मम्मी को पता है ये बात? चिंटू की मम्मी ही मैं हूँ। अच्छा, तो उसमें मैं एक औरत एक ऐसी, क्योंकि वो एक कैरेक्टर ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत कम औरतें शायद उसके लिए कहती है सर, वो बताए ना उस वो कैरेक्टर ऐसा है कि फसी ने वो लिखा है और फसी ने डायरेक्ट किया है। वो एक ऐसी औरत का कैरेक्टर है जो बच्चा बच्चे के बाद बहुत मोटी हो गई है, और उसका हस्बैंड बहुत अच्छा सॉल्ट एंड पेपर है और बड़ा स्मार्ट सा है। तो वो कहती है कि मुझे इसके बाद बच्चा तो मैंने आपके लिए पैदा किया था, तो मुझे उतनी ही अब जो है वो अहमियत भी मिलनी चाहिए, उतना प्यार भी मिलना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है आप देखें कि औरत के हाथ में कि औरत बिगड़ती भी कैसे। तो वो उसके तरीके भी बता ही दे। तो उसमें उसमें एक कैरेक्टर किया एक मेड का, मेरी तमकिनत एक मेड है उसमें, और उसमें हमने कुछ सीन भी ऐसे किए कि जब मैं वो कर रहा था सीन, तो मुझे लगा था कि ये जब चलेगा तो मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है। सीन जैसे मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे उसने हमारे कुछ मुंह मारी के सीन नहीं हाँ काफी मुंह मारी के सीन अच्छा मतलब हमारे बेड सीन्स भी थे और दिखाते हैं कि वो लड़कों को बुलाती है और उनके साथ रिलेशन रखती है तो वो बड़े वैसे बोल्ड सीन थे जब वो हो रहे थे एक सीन था जिसमें मैं लेटा हुआ हूँ मेरे ऊपर एक लड़के को उन्होंने लिटाया हुआ है तो ऊपर कैमरा रखा हुआ था मेरे का फंसी कैमरा तो हटाओ या कैमरा हटाओ या बंदे को चलेगा कहाँ तो कह रहे तुम देखना ही चलेगा लेकिन रियल एक्टिंग प्रमोट इतना ज्यादा नहीं हुआ यहाँ पर तो शायद बहुत कम लोगों ने देखा लेकिन इंडिया में लोगों ने बहुत तो ये तो शुक्र भी है कि यानी इंडिया में तो उन्होंने इमरान हाशमी की यूट्यूब और जो OTT प्लेटफॉर्म्स उस पर तो बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ है जो यू नो लाइक लोग दिखा भी रहे हैं कर भी रहे हैं तो उन लोगों को तो कोई सच बस एक लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं एक ब्रेक लेते हैं वापस आएंगे वकार को भी बता देंगे छोटा सा ही है वकार का ब्रेक बहुत जरूरी है क्योंकि डीजल इंजन की तरह गर्म हो गए मुझे भी गर्मी लग रही है आज हैप्पी 40 लाजिया से पूछेंगे कि नाक और होंठ किस जगह होने चाहिए उसका एस्थेटिक That's a quick break here. बकार नादिया से जो है ना पीछे होंठ और नाक लगवा रहे हैं ताकि हर तरफ देख सकें बकार की नजर हर तरफ है वापस आके बकार से जवाब लेंगे Let's a quick break here. आप देखें M&M शो मैं हूं मुर्तजा चौधरी Let's a quick break. नादिया ने मेरे होंठ खत्म करने की कोशिश की थी बकार ने मेरे होंठ खत्म करने की कोशिश की थी फिर ब्रेक से हम वापस आके बैठ गए इधर मेरे ऐसी बातें नहीं कर रहा है जी आपने कभी मतलब सॉरी ड्रामे में कभी माँ का रोल किया आपने हाँ तो अभी सारी तो मैं माँ के रोल्स कर रही हूँ बच्चे ये हो जाते होंगे ना हमारी अम्मी इतनी प्यारी क्यों नहीं इतनी टाइट क्यों असल में वैसे मैं कह रहा हूँ ये जो ये बात कर रहे हैं कि जो कंटेंट हम कहते हैं कि यार हमारा कंटेंट नेटफ्लिक्स या यू नो योर नेम और OTT है ये है कंटेंट लेकिन हम थोड़े से डरपोक भी हैं और अपने आप को हम चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं करते ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीज क्या नहीं हो रही क्या चाइल्ड अब्यूज नहीं हो रहा क्या रेप नहीं हो रहा क्या एक्सट्रामैरिटल अफेयर नहीं चल रहे सब कुछ हो रहा है लेकिन हम टीवी पे बहुत अच्छा दिखाते हैं क्योंकि हम उस हालांकि मैं कहता हूँ बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए आप दिखाएं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद उससे किसी को कुछ सीख के कोई सबक हासिल करके पता हो कि अगर ये करेंगे तो इस पे ये सजा मिलेगी ड्रामा तो चेंज हो गया ना सर अब वो देखें लेकिन आप कोई भी सीन आप देखें ना कोई भी चैनल लगा लें आप उस ड्रामे में के अंदर जो भी सीन चल रहा होगा उसमें कोई एक ऐसी चीज होगी कि या तो तलाक के करीब हो है या होने वाली है या कोई इस तरह की परेशानी है घर टूट रहा है लेकिन अब कुछ नए डायरेक्टर्स बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी जो सबसे ज्यादा जो अभी मरीना खान डायरेक्शन में आई है अमेजिंग काम अब तो लग रहा है कि पुराना वाला काम क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में रहते हुए हमने एराज देखे ना मैंने जावेद फाजिल साहब के साथ भी काम किया फिर अब नए कितने पुराने हैं आप सर मुझे इंडस्ट्री में 28 साल हो गए 28 साल ये इंडस्ट्री के कह दिया 23 इयर्स यानी कि आपने साथ भी काम किया होगा हाँ हमने तो बहुत काम किया है इवन कि एक्टिंग आप ज्यादा बोल रहे हो और आपको मेकअप का काम बहुत मेकअप स्टार्ट तो मैंने तो आप लोगों की वो हो गई होगी ना मेरे लिए तो ये है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरे लिए तो ये होता है कि मेरी वाइफ अक्सर बोलती है कि मुझे बसता होगा ना तो कहते हैं आप अपनी गॉडमदर को फोन करने फॉरन नादिया मेरे लिए एक दोस्त से बहुत बढ़कर अच्छा तो मैं कभी कोई कहीं फंसता हूँ तो होता है ऐसे भी आपकी मुलाकात और फोन पे आप कांटेक्ट हमसे बहुत बात करते हैं ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बुराई करते हैं इनकी कोई बुराई करके तो देखें अच्छा बल्कि जब वो प्रोटेस्ट हुआ था उसके कोरोना के अंदर तो पूरे सैलॉन्स वालों ने कहा हम सब आएंगे लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो मैं और नादिया नारे लगा रहे तो और कोई नहीं था और कोई डरते हैं ना लोग कोई नहीं था सिर्फ मैं और नादिया पहुंचे थे बस वैसे इनकी पर्सनालिटी आपकी थोड़ा आप गुस्से वाली खातून है जब गुस्सा अगर आता है तो फिर बहुत शदीद आता है वैसे नहीं और वो उसका टाइम है कोई या कभी भी आ सकता है नहीं नहीं मौके की मुनासिबत से ठीक है आपको पसीना आ गया किसी वक्त आ सकता है सर आपने इतने मेकअप किए हैं जिंदगी में कभी किसी लाश का भी मेकअप किया है या सिर्फ जिंदा लोग नहीं नहीं जिंदा लोग नहीं मैं लाश हमारे यहाँ से नहीं लाश हमारे यहाँ मेकअप ही नहीं करती लाश लाश बन गया थी तैयार करके मुल्कों में तो इसके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं प्रॉपर हां मतलब वो कह रहे हैं बाहर होती तो शायद मर्दों का भी कर रहे होते नहीं बट कोई ऐसा पफ कर दो इसको तो मतलब कोई ऐसे लोग भी होंगे ना इसमें जो आप कहें कि यार फॉर एग्जांपल ये है आ गया लेकिन इसका मुंह टीवी वाला नहीं है ना मेकअप वाला है ऐसे अच्छा अपने बारे में नहीं बोला मेरे ऊपर रख दिया जैसे ये है मिसाल दे रहा हूं ना ऐसे बहुत से लोग आते हैं लेकिन मसला ये है कि हमारे लिए मेरे लिए कोई पर्सनालिटी नहीं काउंट करती ज्यादा मेरे लिए होता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं मेरे पास तो सोच होना चाहिए जो जिस तरह मैं इतना बड़ा मुंह होगा उतना बच्चा नहीं उसमें दो चीजें आ जाती है उसमें कुछ होते हैं जो हमारी चीजों को एक्सेप्ट कर देते हैं ओके और वो एज अ टैलेंटेड भी होते हैं उनको पता होता है कि जो उसने कर दिया वो ठीक है
कुछ लोग एक्टर ऐसे जिन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि उनका मुंह ऐसी ही है, उसे नहीं चेंज करना, ना उसमें हमने डार्क लिपस्टिक लगानी है, ना उसके अंदर हमने कोई कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, तो वहां हम बाउंड हो जाते हैं। डायरेक्टर्स ही बताते हैं ना, आपको बोलते हैं बेसिकली आपको ये साइड अच्छी है और वो साइड, पहले डायरेक्टर्स ही बताते थे, अब आर्टिस्ट बताते हैं हमें। पहले डायरेक्टर बताते थे कि मुझे ये कैरेक्टर चाहिए वकार, हमें जब हायर करते थे कहते ये वकार ये कैरेक्टर है इसके हिसाब से डिजाइन कर दो, आप कहते हैं कि जो बेबी कहती है वो कर दो। आपने क्योंकि इतनी जिंदगी में वो फोटो शूट्स और सब कुछ किया, आपको लगता है कि कोई ये साइड होती है इंसान की कि ये साइड बेहतर है और ये नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होती है, आपकी अच्छी साइड और आपकी एक सर्टेन पोस्चर ऐसा होता है कि आप एक एंगल पे बेहतर आप पोस्चर दे सकते हैं, दूसरे एंगल पे आप बेहतर पोस्चर, बिकॉज आपकी यू नो लाइक बहुत सी चीजें आपकी स्टांस पे भी डिपेंड करता है। और आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका हाफ फेस से डिफरेंट होता है, और जब हम मेकअप करते हैं तो आईब्रोज हमेशा आपको बैलेंस करनी होती है, आईब्रोज सब नहीं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक साइड अच्छी यार ये मेरी साइड अच्छी नहीं आती, वो इसलिए आती जो आपकी अच्छी नहीं आती ना, जैसे एक साइड आपकी कम है एक नॉर्मल है, इधर चिपेड़े पड़वाए आप बैलेंस बैलेंस ऐसा ये सच भी है, कुछ साइड होती है आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छा कुछ एंगल्स में कुछ लोगों का फ्रंटल एंगल बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा बालों के फॉल पे भी डिपेंड करता है कि आपके बाल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे बाल हैं वो मेरे बालों का यू नो जो ग्रोथ है वो ऐसी है कि वो एक साइड पे ज्यादा गिरते हैं, तो वो मेरी जो यहाँ पे जब गिरते हैं बाल तो वो मेरी साइड ज्यादा सॉफ्टर लगती है, बिकॉज यहाँ पे मुंह पे बाल आए हुए होते हैं यू नो, तो वो भी डिपेंड करता है। वो बहुत ये है इशू, मैंने जब ट्रांसप्लांट कराया तो मेरा भी यही था, ट्रांसप्लांट कराया अभी कराया मैंने, लोगों को देने हैं बाल हैं, आपने ज्यादा नहीं रखने, आप तो बस अब मेरे भी आपके ऐसे बाल से लिखे चले गए, वो आपने बताया आपका एक वाकई में हां मेरे बिल्कुल ऐसी बात, रियली प्रॉब्लम हो गया था वो, इन्होंने बताया पूरा वो इस पे आपके स्टेरॉइड वगैरह देने की वजह से वो आधे गिरे आधे बच गए, तो मैंने कहा कि जब खेती उजाड़ी दूं जब पूरी नहीं उगरी, तो बाल सूख कर रहे हैं looks good। हां मुझे अच्छा लगता है तुम सस्ती करते हो। कोई ऐसी अभी जो आपको लगता है कि चंद ऐसी मॉडल्स हैं जो स्पेशली फैशन के अंदर कि यार वो बहुत अच्छी है, मतलब आप ख्याल कोई है ऐसी अभी यार, मतलब ये मतलब वन ऑफ द रीसेंट में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुश्क कलीम इज वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स जो अभी रीसेंट के एडिशंस में आई हैं। अच्छा मुश्क जो कलीम। मुझे हां मुश्क कलीम डिफरेंट नाम है, क्या रीजन है उसका? ये तो इतर लग रहा है कोई है ना यार, बड़ा जबरदस्त मुश्क कलीम लगाया है, क्या रीजन क्या होगी? बिकॉज़ शी इज उसकी फिजिक भी वैसी है, हाइट भी बहुत अच्छी है उसकी, और वो एजुकेटेड भी है यू नो, मतलब एक वो बात करने में भी आपको पता लगता है कि यार ये यू नो बंदी थोड़ी सी, शी इज गॉट अ सॉलिड पर्सनालिटी एज वेल, सो मेरे लिए ये चीजें मैटर करती हैं यू नो, व्हेन यू आर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री तो फिर आपकी एक पर्सनालिटी होना जरूरी है यू नो, ताकि क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करते हैं उस इंडस्ट्री को भी, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसके एम्बेसडर बन जाते हैं, और फिर जब आपको मौका मिलता है आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के एम्बेसडर बन जाते हैं, तो फिर अगर यू नो आप एक अच्छे तरीके से अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे वो आपको जब बाहर जाती होंगी यार तो लोग क्या वैसे देखा उन्होंने फवाद चौधरी राणा सनाउल्लाह फिर अचानक आपको देख रहे हैं, तो उनको कंफ्यूजन नहीं था कि आप पाकिस्तानी हैं भी के? पाकिस्तानी तो माशाल्लाह इसी की तरह ही होते हैं। हाँ रिसेंटली मैं गई भी थी इस्तांबुल यू नो, सो दे वर आस्किंग मी, और हमेशा मुझे यही होता है मेरे साथ जब भी मैं बाहर मुल्क जाती हूँ, तो अगर कोई जाहिर है बहुत से लोग पासपोर्ट भी पूछ लेते होंगे, जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तानी तो नहीं होगा। By default, I was born in England. हाँ, but ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि मैं पाकिस्तान में, मैं इंग्लैंड में बहुत ज्यादा अरसा रही नहीं हूँ। मैं क्वीन भी बिचारी नहीं रही इतना अरसा, पहली 70 साल रही है, 96 years पे वो। हाँ वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वहाँ रहती नहीं थी, उनको खुद अमेरिका का लगा हुआ जी जी। अच्छा यानी कि आप पाकिस्तानी हैं और ब्रिटिश की तरह हम आप लेकिन फिर वहाँ 3-4 साल रहने के बाद हम वापस पाकिस्तान आ गए, बिकॉज मेरे फादर की उस वक्त पोस्टिंग हुई भी थी, तो वो उन दिनों में जब पोस्टिंग हुई भी थी तो मैं और मेरा भाई वहाँ बाय डिफॉल्ट पैदा हो गए यू नो, उसके बाद पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान में ही रहे हैं उसके बाद। एक बात ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो यार जबरदस्त हमारे लोग हैं वो,
अब जैसे आपके बारे में ये है कि अब आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, लेकिन लोग ये कहते हैं यार फला इंडियन के साथ भी काम किया हुआ उस बंदे ने, किया हुआ है उन्होंने भाई। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, अब ये एक नॉर्मल चीज है कि जैसे हमारे लोग हैं वैसे ही वही है, ये एक यहाँ पर एक फर्क है यार फला के साथ इंडिया। एक फर्क ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में काम करते हैं, और मैंने इंडिया में भी काम किया इंडिया के साथ, और फिर मैंने ईरानी सिनेमा के साथ भी काम किया। ईरानियन सिनेमा रियली सर जी, मैं रेप्लेक्स में होता था, रेप्लेक्स में तानी रन करती हूँ सलोन में, सर जज्बा की जो बहन है तो वो दुबई में होती थी। तो दुबई में ईरानी सिनेमा की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री वो हमारे उसमें इंडियन मेकअप टाइप लुक रखना था, तो हमने किया उसको। तो बस मुझे सिर्फ बाहर हम ये मुझे ये नहीं होता कि जी फला एक्टर के साथ हमने काम किया वो बहुत अच्छा थी, सिर्फ मुझे ये लगता है पाकिस्तान और इंडिया में और दूसरी जगह पे काम करने का फर्क है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक चीज जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि अल्लाह करे चेंज हो, यहाँ टेक्निकल लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ आर्टिस्ट ऊपर है, टेक्निकल स्टाफ उसके बाद आता है। टेक्निकल स्टाफ में से मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, आपके स्टाइलिस्ट हैं, आपके डीओपीज हैं, ये वो लोग हैं जो मिलके एक्टर्स को बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हम वो करते हैं जिसपे एक्टर कंफर्टेबल होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना नए एक्टर्स आ पा रहे हैं, ना इंडस्ट्री ग्रो कर पा रही है, और हम वहीं रुके हुए। क्योंकि आपको हर मीडियम में, चाहे सोशल मीडिया, चाहे आपको टीवी पे देख रहे हैं, चाहे फिल्म में देख रहे हैं, चाहे शोज पे देख रहे हैं, चाहे लॉन्चेस में देख रहे हैं, ब्रंचेस में देख रहे हैं, लंचेस में देख रहे हैं, एक ही लोग नजर आएंगे। ऐसे ही क्या वजह है सर? उसकी वजह ये है कि किसी एक का नाम भी ले सकते हैं आपको ऐसी बात, सब यहाँ मौजूद नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई गलती है, वो तो अच्छी गो विद द फ्लो है, जैसे चल रहा है वैसे बुला रहे हैं उनको लोग। उनको एक चीज, मुझे अगर एक चीज खाने को मिल रही तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, चल रहा है चलने दो, जब तक नहीं लोग देख रहे तो। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ तभी करेगी जब हमारे यहाँ डायरेक्टर्स की सेह होगी, हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट, हमारे कोरियोग्राफर, आज की कोरियोग्राफर्स को कहा जाता है, जो आर्टिस्ट कह रहे हैं ना उस तरह आप कर लें, क्योंकि उसमें वो कम्फर्टेबल है। आर्टिस्ट की कंफर्टेबल आप बिल्कुल रखें, उसका कंफर्टेबल देखें कि उसको खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, पानी मिल रहा है, वैरायटी वैन है, ये आर्टिस्ट का कंफर्टेबल है। लेकिन आर्टिस्ट को क्या करना है ये वो टेक्निकल स्टाफ बताएगा, चाहे मेकअप आर्टिस्ट बताएगा कि तुम पे ये सूट करेगा, मुझे ये रखना है, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे बताया हुआ है। आजकल डायरेक्टर की कोई से नहीं है, वो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट कह रहा है वो करते। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ चीजें ग्रो नहीं कर रही, हम बेसिक चीजों को ठीक नहीं कर रहे ना, हम सिर्फ देखते हैं कि जी अब हमारे मैनेजर्स आ गए हैं, हमारे यहाँ आपको मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर कह रहे हैं जी वे भी खुश नहीं है इस बात से, इस मेकअप आर्टिस्ट से तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये तो क्या अपनी मर्जी से लिपस्टिक लगाई है उसने, चेंज नेक्स्ट टाइम। लेकिन एक बात बताएं मुझे इसमें, मतलब जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमारा कि मेकअप आर्टिस्ट ने भी एक्टर को बड़ा खराब किया है, कुछ ऐसे भी है, देखिए उसको बता दिया, देखिए मुझे इंडस्ट्री में 28 साल हो गए, तो मैंने अपने बेतहाशा लोगों के साथ काम किया ना, तो हम बल्कि रिपीट हो गए होंगे लोग ही काम है 28 साल में, अब हम लोग बेसिकली डायरेक्टर आर्टिस्ट है ना, कि जो डायरेक्टर ने कह दिया अच्छा। हमने वो करना है, लेकिन अब जो आर्टिस्ट के साथ भी मेकअप आर्टिस्ट वही होंगे ना, जो कहेंगे जिसमें बेबी खुश है हम वो करेंगे, ताकि इससे रोजी रोटी लगी हुई है ना, रोजी रोटी बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन क्रिएटिवनेस खत्म हो गई है। यही जो क्रिएटिविटी वाली जो बात है ये फैशन में भी हुआ है, बिकॉज जब से फैशन वीक शुरू हुए तो लोगों को जो है वो अपने एक जाहिर कपड़ों को डिस्प्ले करने का एक मौका मिला, क्योंकि जाहिर है वो एक इट वाज लाइक मल्टी डिजाइनर प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, तो फैशन वीक्स के जरिए और जो लोग आते थे देखने के लिए, वो जो आपकी आम आवाम टाइप जो लोग हैं जो वो देखेंगे और जो वो खुश हैं देखने में, वो डिजाइनर वही बनाएगा, क्योंकि वो उनकी टारगेट मार्केट जो है वो वही है, टारगेट मार्केट के वही ऑडियंस खरीदेगी भी। एक आपके ना बहुत बड़े फैन और हमारे बड़े दोस्त हैं, वो कल हमारे एक शो में आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा, उनको बताया कि आप लोग आ रहे हैं, तो वो क्योंकि वो अजाब हो गए इसीलिए वो रोज ही आ रहे हैं, वो आना चाह रहे थे और उनको भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। वो उनकी मजेदार बात ये है कि वो पॉडकास्ट करते हैं बड़ा अच्छा, और पाकिस्तान में पॉडकास्ट बहुत कम लोग करते हैं, और उन्होंने थिएटर पढ़ा हुआ है, जबकि वो करने की चीज है जो पड़ी है, थिएटर पड़ा हुआ है और बड़े मजेदार पॉलिटिकली राइट और अच्छी बातें करते हैं, उनको हमने अपना थर्ड एम्पायर का नाम दे दिया। अच्छा, वो हमें जज करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शो कैसा होना चाहिए, इस किस्म के अगर आपको बुरा नहीं लगे बुला लें। चले जी, हम हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, हमारे थर्ड एम्पायर, और मैं आप उनका नाम बता दें यार आप बताएं, बड़ा मुश्किल नाम है, हॉकी प्लेयर वाला। तो शहजाद गयाज साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे,
लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर, वापस आएंगे। मजेदार है, हमारा पॉइंट ये कि वो जो बातें हमने हमेशा सोचा था कि इनसे करनी है वो कर लिए, और उसके बाद कुछ मजेदार चीजें भी करनी है हमने सोची हुई है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम आराम से, डर भी लग रहा है, इतने लंबे लंबे लोग हैं सब बहुत मारेंगे, बिल्कुल। आई विश के ऐसा कुछ होता हमारे हाइट वाइट से, मतलब मैं तो ठीक हूँ, ये बहुत मैं बहुत छोटा रह गया हूँ, छोटा आदमी। हाँ, 27 साल में बोर नहीं हुए आप अपने काम से? बिल्कुल नहीं, एवरीडे क्या है वो आप, क्योंकि देखिए अब मैंने भी जो है वो अपना अपने करियर में जो ट्रांजिशन किया है फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग टू नाउ अ सैलून ओनर, आई ओन अ ब्रांड एज वेल, मेरी मेकअप ब्रांड है, तो मैंने अपनी अपनी जर्नी में जो है वो मैं कहीं पे भी मैं स्टैग्नेट नहीं हुई हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रही हूँ, और आगे भी जो है वो यही प्लान है, आगे भी और बहुत सी चीजें करनी। तो आपकी जर्नी में जब चेंज आता रहता है ना, तो फिर वो एक बड़ा अच्छा आपको मोटिवेट करता रहता है। लेकिन आपको लगता है कि आप इतनी एक्सपर्टीज आपके पास आ गई है कि आप इसकी शक्ल अच्छी कर सकते हैं? मैं ऐसी हूं। बहुत कम शुरू शुरू में आई वुड से कि कुछ यू नो लाइक चीजें ऐसी, जब आप शुरू कर रहे होते हैं काम खासतौर पर एस्थेटिक्स का, तो ऐसा तो नहीं कि कोई गलत हो गया या बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, शाहरुख बनना चाह रहा पॉलिटिशियन भी आपके क्लाइंट है कुछ। हाँ, लेकिन मैं नाम कुछ है नाम मिले फैसल वाडा टाइप कुछ हो सकते हैं हमें। हाँ। क्या जी, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आए जी। शहजाद गयाज साहब तशरीफ लाए, सर थैंक यू, आपकी मुलाकात है कभी? नहीं, ऐसे काम किए ही नहीं कभी कि मेकअप की जरूरत, वो मुंह ही नहीं है बोले हमारा, नहीं सीसीटीवी में मेकअप इतना नजर नहीं आता ना। थैंक यू, आपने कमोड के ऊपर तकिया लगाया मेरे लिए, आपको इजी रखने के लिए, धस ना जाऊं अंदर, मगर बस उसको कमोड समझिएगा मैं। ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, आपने बस काम नहीं किया यार। वैसे एक हमारे हमारे एक दोस्त थे मुर्तजा भाई, उन्होंने वो पेट के तौर पे ना वो एक पाइथन लेकर आ गए या शारे फैसल पे, वो एक दिन कमरे में था और वो कमोड में चला गया, तो कहने का मकसद है वो कहीं से भी निकल सकते हैं एहतियात से बैठे। ये आपके दोस्त बकार जका तो नहीं थे? नहीं, वो सांप को पप्पी देने में मशहूर है, मशहूर है, उसके बाद सांप मरते हैं वाहिद आदमी। हाँ, उसके बाद सांप ने लिप फिलर करवाया नादिया हुसैन से, सांप को लगा ये। और फिर सांप कौन बन गया सोचो, कौन बन गया सांप लिप फिलर कराने के बाद? आपके ख्याल में सियासतदान उनको भी जरूरत है, जाहिर सी बात है वो आते हैं, उनकी पब्लिक अपीयरेंस है, टीवी पे आना है, कुछ तो सियासतदानों की जरूरत नहीं है ना, नहीं वो तो नहीं है। हाँ। वैसे आपके आपको लगता है कि उन सबको जो इस किस्म के मीडियम पे आ रहे हैं मेकअप और ये फिलिंग और मतलब जो भी इसको कहते हैं, इसकी जरूरत है सब होना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक कि एक आप अगर यू सी ये सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, और अगर आप अपनी बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं मर्दों में भी खवातीन में भी जिसकी वजह से उनकी प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है, मतलब यू नो अपनी उम्र से वो ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, यू नो लाइक आपके हेल्थ वाइज ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि आप अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, अगर उन सिचुएशंस में या अगर आप वैसे ही जो है वो आप एज कर रहे हैं लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप अननेसेसरीली जो है वो उस एज ब्रैकेट में अगर हैं आप, तो आप कहें कि जी मैं उससे बदतर दिखूं, क्यों दिखें, एंड फिर क्यों नहीं जो है वो आप खूबसूरत या बेहतर अपने आप को दिखने के लिए देखिए। हमारे यहाँ तो लेकिन इल्जाम है ना कि वो फलाने वो जी तो अपने मुंह पे इतने पैसे लगाते हैं, ये तो हमें बड़ा वो तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, गलत मुंह उसकी मर्जी और जिसका पैसा उसकी मर्जी, और इतनी अवेयरनेस हो गई है, पहले होता था कि सिर्फ आर्टिस्ट या कोई एक्टर्स यही कराते थे, अब जो मैं क्योंकि सैलून रन करता हूँ बहुत सी ऐसी खवातीन है जो अब उनको अब इतना सेंस आ गया कि और इस पे कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए करा रही हूं। I'm sure आपकी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होंगे इनका इस मीडियम से ताल्लुक ही नहीं होगा, टीवी नहीं, मेरी ज्यादातर जो है वो इस मीडिया से ताल्लुक नहीं है उनका, जितनी भी मेरी क्लाइंट्स हैं
वो बहुत सी ऐसी क्लाइंट्स से लाइक 80% मेरी क्लाइंट्स जो हैं वो आम खवातीन हैं और वो कुछ बड़ी उम्र की भी हैं, नानियां दादियां भी हैं और आई मीन यू नो लाइक दे आर मदर्स और तो एक उम्र के बाद सिर्फ खवातीन आपके पास इलाज कराने आ रही हैं क्योंकि एक उम्र के बाद मर्द तो सदर जा रहे हैं इलाज करवाने। जी, वो उनका इलाज फर्क है ना, हमारे यहाँ एक मजाक बन गया ना। मैं आई डोंट नो बैकग्राउंड में नहीं जा रहा, मगर आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक्स पॉलिटिशियन वाई के बारे में कह रहा है कि वो ये तो भाई दादी है तो जवान बनने की कोशिश करी थी। तो मैं जैसे मेरी बात कहने का मकसद ये कि हमने उसको बुरा क्यों बना दिया? आप कह रही हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, दादी अगर करना चाह रही है, नानी करना चाह रही है, व्हाई नॉट? देखिए आई मीन इट्स जस्ट सिर्फ एक 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 पॉइंट पिक करना है ना किसी के बारे में। exactly. अगर आपको नेटपिकिंग करनी है तो फिर आप कोई भी चीज जो है वो उठा के उसके उसके अगेंस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज है नहीं कि लोग कहें कि यार ओ यू नो ये अपनी एज से जो है ये देखो ना शी शुड एक्ट हर एज यूनिवर्सल अपील में जो है वो ऐसी चीजें जो है वो एक्सेप्ट होने शुरू हो गई है कि आपकी कोई एज का कोई यू नो लाइक फैक्टर नहीं आना चाहिए इसमें okay. कि जी आपकी एज क्या है, तो जी आप अगर 60 साल के हैं या 50 साल के हैं या 70 साल के हैं तो आपको 70 साल का ही लगना चाहिए। भाई ये क्या है कॉन्सेप्ट, दिस इज टोटली ठीक है, अगर नहीं लग रहा है 70 साल में आपके लिए है, अगर 70 साल में कोई 20 साल का लग रहा है खांसी से पकड़ा जाएगा। अगर नानी दादी भी अपने काम शादी करवाना चाहती है तो उसमें क्या मतलब है? आप अपनी बिल्कुल अब बोलना नहीं चाहिए पुप्पी को, बोले लेके जाए इनके पास और बोले इनको बना दे वो कौन शादी नहीं कर सकती। देखिए समीना अहमद ने शादी की कितनी बुरी कितना बुरी चीज अच्छी चीज है कि वो जवान लग के जवान लड़कों से शादी करें, सिर्फ मंजूर सबाई से थोड़ी करनी, सही बात और भी लोग हैं उसका बोल दे कभी मेरा उनसे बात कर रहा था वो कह रहे कि मेकअप ऐसी चीजें आ गई कि उसके बाद आप जिंदगी भर आपके मुंह मेकअप भाई ऐसी ऐसी चीजें आ रही है आप पूछो परमानेंट मेकअप कहलाता है वो नहीं तो वो मेकअप नहीं वो नेचुरल टाइप परमानेंट मेकअप होता है ना। आप आईलाइनर ही परमानेंट लगा सकते हैं, आप लिप का टिंट परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन वो लिप का जो टिंट है वो पिंकिश पिंकिश सा रहेगा। मतलब आप रहेंगे आपको एवरीडे बनाना बस नहीं बनना पड़ेगा कि मेकअप करके मॉल जा रहे हैं। हाँ नहीं बनना पड़ेगा। ये जो लिप फिलर होते हैं ये किस चीज से फिल होते हैं? ऐसे तो नहीं कि मर्द जरा एक्साइटेड हो तो फट जाए? नहीं आपके जहन में सवाल अच्छा है बट नहीं होता है फिर आप काटे ना वरना वो आप जो कह रहे फट जाए फट जाए वो कैसे वो बारह थोड़ी है भाई तो वो तो जैज में लिहाफ गद्दू थोड़ी पड़ रहे वो बारह बस स्टैंड एक ना हमने सोचा था कि जब भाई आएंगे तशरीफ लाएंगे तो हमारे पास हमने आपके साथ कोई मजेदार गेम वेम खेले तो हमने बड़ी अच्छी बातें की मुझे लगता है और थोड़ा सा उसको लाइटर भी कर लेते क्योंकि बड़ी अब नानी दादी और इधर भी चले गए अच्छा आप दोनों जो है मैं और भाई एक पर्सनैलिटी सोचेंगे जिसका ताल्लुक आपके प्रोफेशन से भी होगा और आपकी जिंदगी से भी होगा मशहूर शख्सियत और वो आपने गैस कर लिया और आपने भी गैस कर लिया मैं और भाई सोच लिए उससे कुछ क्लू देंगे हाँ 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 बताइए क्या हम पूछें कि पूछे खुल के कोई सवाल उनका ताल्लुक मीडिया से मर्द औरत है मर्द औरत ये अच्छा सवाल है मुश्किल भी है वैसे माशरे के अंदर मर्द है लेकिन उसकी ओरिएंटेशन औरत बेगम वाशरी है मतलब माशरे में दोबारा सुने मतलब उनकी पर्सनैलिटी माशरे में मर्द की तरह उन्होंने मतलब उसको जो हमारे को है ना क्या जाता है सख्त टाइप का और उन्होंने मतलब उनको बिल्लियां चलाने का बहुत शौक है ये नहीं ओपन करते ना बिल्लियां चलाने का शौक है बिल्लियां कौन चला किराए भी चला रहे हैं बिल्लियां पालने का शौक है मतलब ये क्या था शेख रशीद साहब तो नहीं हो सकते नहीं एक्टर है खातून है एक्टिंग भी की है
एक्टिंग भी की है थोड़ी बहुत, बहुत कम बट यस। अच्छा एज ब्रैकेट, पहले पता चल जाता है लेकिन शायद आपके पास वो आ चुकी है लेकिन अब पता नहीं चल रहा। आप कुछ कह रहे हैं, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं, वो एज ब्रैकेट का जो पूछ रही है वो सेटिंग की रेंज में आ रही है बाहर है। डायरेक्टर है या एक्टर है? यार वैसे तो डायरेक्टर है। अच्छा आप पॉलिटिशियंस यार आप फॉरेन आ रहे हैं कौन कौन? नहीं। अच्छा पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स से तो ताल्लुक नहीं है। वैसे तो सियासत में उन्होंने बड़े लोगों के मुस्तकबिल बर्बाद किए होंगे यकीनन, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स अपने मीडियम में। खातून है और मर्दों की तरह रहती है, मतलब दबंग खातून, दबंग इन्होंने बोला था। अच्छा। इंटरनेट याद रखिएगा। नहीं नहीं मैं उनको समझता, मैं ये उसमें नहीं बोल रहा, अगेन मैंने बोला वो जो हमारे होस्ट भी है, होस्ट नहीं, होस्ट नहीं है क्या, वैसे अच्छी होस्ट हो सकती है वो, बंदी है ना। हाँ खातून, अच्छी होस्ट होंगी, कमाल खातून है, मैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेस हूँ उसकी जिंदगी। क्या उन्होंने कभी जिंदगी में ट्रक कभी और उसको वो कर ले, ट्रक चलाया उन्होंने जिंदगी में? एक दफा उन्होंने, अब आपने लेकिन बोलना नहीं, अगर आपको मैं पहुंच गया, एक दफा उन्होंने कहा कि यार वो क्यों नहीं आ रहा, कोई सामान वामान का मसला था और हम साथ थे उनके, उन्होंने उसको बोला यार ट्रक तुम बहुत देर करोगे, उन्होंने उससे चाबी ली और ट्रक में बैठे, ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक लेके निकले। इस किस्म की कौन सी मजेदार खातून। फैशन से उनका ताल्लुक है? फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। अच्छा एक कंपनी भी है जिसको वो रन करती है आज भी? यार तुमने आसान कर दिया यार। रिया थोड़ी आपने उनके साथ बहुत काम किया, बहुत सख्त था, हमने उनको अम्मी का नाम दिया, अम्मी अम्मी की तरह ट्रीट करती है, गुस्सा भी वैसे करती है। आपने काम किया? जी मैंने एक दफा उनका मेकअप इधर आओ नहीं, अच्छा मैंने उनको एज एन आर्टिस्ट उनका मेकअप किया है जब रीमा की एक फिल्म थी लव में गुम, उसका गाना मैंने किया था, लव में गुम, लव में गुम उसका मैंने मेकअप किया था। क्या था देखा, गेस कर लिया। और कोई आप कुछ करना चाहते आप बताएं क्या करवाना? नहीं ये तो उन्होंने बड़े मुझे लग रहा था पहुंच जाएंगे, लेकिन तुमने बहुत आसान कर दिया। नहीं वो मुझे अंदाजा हो गया था जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अच्छी खातून वो थोड़ी दबंग है यार, मतलब वैसे बहुत ही फैशन सी भी था। अब तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि वैसे फैशन शोज हो रहे हैं जैसा आप करते नहीं, वैसे हो ही नहीं रहे ना एक्चुअली, दैट्स द प्रॉब्लम। अभी आप करती हैं वैसे अगर कोई मौका मिला तो? आई हाँ मैं करती हूँ, लेकिन फिर वो फिर यही होगा कि एज अ सेलिब्रिटी वॉक कर ली यू नो, लेकिन ये कि फैशन शो में प्रॉपर तरीके से जैसे होता है ना कि मॉडल्स का एक बैक स्टेज होता है कि आपको इस डिजाइनर के दो तो इसके वो एक एक तरतीब में जो मॉडलिंग हो रही होती है वो नहीं मैं अब करती। अब मैं सेलिब्रिटी आप भी करें ना मॉडल, मैंने बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी वॉक की है। मैं आज आपको बताऊँ परफ्यूम चौक पे बहुत चला हूँ, सूप बड़ा सेलिब्रिटी के घरों से वॉक किए सुबह सेलिब्रिटी रन। तो आप कह रही हैं कि ये भी अच्छे हो सकते हैं खूबसूरत हो सकते हैं मेकअप से और प्लस चीजों से आप भी? मैं उसके बगैर भी हूं। आपके कानों का मसला मुझे लगता है बहुत, ये आपका ताल्लुक सिंध से? बिल्कुल पहचान लिया आपने, ये कान जो है ना आपके कानों का मतलब कान थोड़े कर, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस शक्ल पे क्या क्या काम है, चलेंगे मतलब आपके ख्याल में क्या क्या हो सकता है? ये तो पूरे साल का होगा, यूँ लग रहा है अब्बू एडमिशन कराने आए बच्चे का, ये मेरा बेटा है जिसे। वैसे आप ना बताएं सिर्फ शक्ल पे कि पूरी ओवरऑल आपकी नजर जहाँ जा रही है आप ठीक करते हैं आपके ऊपर। So, maybe, you know, एक साल दौड़ाएंगे इनको, एक साल दौड़ाएंगे, थोड़ा सा बॉडी फिट करेंगे फिर थोड़ी सी दाढ़ी में ट्रिमिंग करेंगे, लेकिन उससे चेंज क्या आएगा वैसे फिजिकल? नहीं नहीं वो चेंज मैं बता रही हूं, इतना ज्यादा काम है। उसके बाद घर के काम भी करवाएं, फिर जो यूज होगा ना पेन की जो ये चीक्स हैं, ये जो इतनी ऊंची ऊंची चीक्स है ये नीचे आ जाएंगी, फिर हम फिलर करेंगे। फिर मुझे लगता है कि लिप में भी फिलर करने की जरूरत, ऊंचा तो कर रहे हैं। नहीं मैं कह रही हूँ वेट लूज होने के बाद इनका गिर जाएगा, ये जो चीक्स है तो उसको करने के लिए। हाँ ये और फिर जो हम बिल देंगे बिल के बाद ये दोबारा टेंशन में मैं आप... मुझे आप जितने पैसे दे रहे हैं उसमें से काट लीजिएगा। हम तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे उससे तो दो दिन भी नहीं चलेगा। तो आपके ख्याल में काम हो सकता है लड़के में? काम है बिल्कुल, लड़के में काम है, लड़का कुछ कर सकता है। अच्छा लेकिन ये सारे चीज से क्या एक्टिंग इफेक्ट हुई है कि जो पहले एक्टिंग का सोचते थे मैंने ये करना है लेकिन अब वो खूबसूरती की दौड़ में शामिल हो गया?
खूबसूरती और एक्टिंग तो साथ साथ था हमेशा से था, लेकिन अब पहले कुछ कैरेक्टर एक्टर्स अलग होते हैं और हीरोइन हीरो अलग होते हैं। हीरो हीरोइन का खूबसूरत लगना भी जरूरी है एक्टिंग के साथ साथ, लेकिन कैरेक्टर रोल्स का खूबसूरत लगना जरूरी नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये वर्ल्ड वाइड देखा जाए, वर्ल्ड वाइड है ऐसा। आप देखे ना पारस रावल है या बाहर के बहुत सारे एक्टर जो शक्ल के बहुत प्यारे नहीं है, मगर हमारे मुल्क में तो प्यारा पहले होना चाहिए ना। कंपेयर अगर आप तो आप सीख ही लेते हैं। हमारे यहाँ भी हीरो अगर हीरो हीरोइन है तो उसके लिए प्यारा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ हमारे हीरो ऐसे जिनकी डार्क स्किन है, अब उनको इतना ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है कि मैंने वो हमसे पूछते हैं वकार यार कोई ऐसी बेस थे गोरा लगे कि वो ग्रे हो जाते हैं, और वो बिना वजह में आप नहीं कुछ ऐसे हीरो ग्रे हो गया, ग्रे हीरो शक्ल जितनी भी गोरी कर ले पता चल जाता है कि ये काले नहीं है। हाँ, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले अच्छे होते थे मुझे लगता है, और बाद में जब उन्होंने ऐसे कराया तो ये भी जो आता वो है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ पहले से पोक किया था नहीं यार ये बहुत डार्क है इसके। अब रणवीर सिंह भी तो डार्क है ना हीरो है, हमारे यहाँ बेसिकली स्टार बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे जो बड़े बड़े नाम है जो फिल्म मेकर्स है उन्होंने किया नहीं काम, आप नाम ले सकते हैं। मैं इंडस्ट्री की बात ही तो कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ये तो लड़का गोरी रखो तो गोरा होगा प्यारा होगा तो हम हीरो। ये गोरा गोरा क्या है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है हमारा कॉलोनियल, आप बताएं इसके बारे में आप क्या रिसर्च है। यही है आई थिंक वोट इस बेसिस पर पड़ जाते हैं यार, गोरी पटाई भी कुछ काम नहीं किया होगा इसने। पाकिस्तान में रिश्ते खत्म हो जाते हैं लोगों के काले होने की वजह से कि रिश्ते नहीं आ रहे। नहीं देखिए फिर ये कौमी मसला है ना कि एक गुड लुकिंग आदमी हमें सियासत में भी पसंद है चाहे वो जीरो। जी एग्जैक्टली, मतलब दिस इज आवर टेस्ट। इस पे भी करते हैं डिस्कस कि ये जो कोई भी किसी भी किस्म का कमेंट कर देता है बगैर जैसे आप दिए जवाब दिया था, तो ये लोगों की क्या सही की है इन्होंने बड़ी अच्छी उसको। मैं माफी मांगना चाहूंगा मैंने वो कमेंट दिल से नहीं, आपने जो डिलीट किया था ये वो इन्होंने ये इनका कहना ये है कि एक बंदा है जो ऑफिस में काम करता है और बेचारा थका हुआ है, रोडें टूटी हुई हैं, बॉस ने अलग डांटा है, घर में अलग परेशानी है, वो जैसे ही सोशल मीडिया खोला तो अब आपने तस्वीर लगाई हुई है। नहीं वो लाइव थी वो सब एक बता उनके लाइव आ रही है, तो वो जो बंदी बेचारी पूरा दिन की टेंशन है वो तो तपेगी इस बात पे यार देखो मैं इतनी परेशानी में हूँ ये चल कर रही ये क्या बात हुई है ये इनका आपकी एनालॉजी है। नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि क्यों इतनी गाली पड़ती है हमें। ये साइकी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ट्रोल वही लोग करते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो हम जैसा बनना चाहते हैं। ये एग्जैक्टली वही बात है, यही बात है, ये वही बात है। वैसे आपको तो अब कितना ही मुश्किल काम है कि अब लाइव आना और उसके बाद लोग पता नहीं क्या आपको पता है किस तरह हाल दे रहे हैं। हाँ तो लेकिन उस वक्त अच्छा जब मैं लाइव आ रही थी ना उन दिनों में तो मुझे नहीं पता था कि आप कमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि वो सब लाइव नया नया कोविड के दिन थे, यू नो सब लोग लाइव जा रहे थे, सेलिब्रिटीज भी लाइव जा रहे थे, यू नो लाइक ऑडियंसेस के साथ, तो वो सारे कॉमेंट्स नीचे चल रहे होते थे। तो मैंने मेकअप के चैलेंजेस करना शुरू किए लाइव, तो एंड में जो था वो यू नो लाइक मैं डिस्कशन कर रही होती थी कि मैंने क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बाद में मुझे पता चला कि आप कमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है अब तो मैं कमेंट ऑफ करूंगी, अब मुझे देखना पड़ेगा लेकिन बोल कुछ नहीं सकते। ये सफर मेकअप चैलेंजेस से गालियों का चैलेंजेस तक कैसा रहा आपका? बहुत मुश्किल होगा। नहीं नहीं बहुत आसान, अच्छा चिल है सामने खैर है दिखाई, क्योंकि ये अब की बात नहीं है, ये आदत संजय बहुत पुरानी बात है असल में, क्योंकि इससे बहुत पहले जो है ये तो पब्लिक में बात आ गई ना, लेकिन इससे पहले बहुत दफा जो है वो मैंने लोगों को जो है वो रोड पे साइड मार के उनको जो है मैंने गिराया भी है, मैंने गालियां दी हैं, मैंने अगर कोई मुझे लोग ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो फिर एक ये तो बहुत पुरानी बात है, उससे लाइक शायद 20 साल पुरानी बात है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा था रोड पे सीवीयू पे, लेकिन उस वक्त जो है मैं मुझे एक पुलिस वाली वैन नजर आ गई तो मैंने कहा चलो वेरी गुड यार पुलिस वैन के पास में जाके खड़ी हो जाऊँ, मैं उतरी उससे मैंने कहा ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है और वो बंदा उतरा उसने पुलिस वो बड़ा ना वो मतलब स्टाइल से उतरा, मैंने कहा वो उतरा और फिर उसके बाद पुलिस वाले ने यूं करके हाथ मिलाया मैं तो उल्टा पुलिस वाले पे मैंने गालियां शुरू कर दी, मैंने कहा तुम होते ही ऐसे हो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ये मेरा पीछा कर रहे हो कर करा के, मैंने कहा चलो अच्छा मौका है इससे ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं फौरन निकल गई। उस दौर का वो मेरे ख्याल में वहां क्लिप्टन का एसएचओ होगा वो अपने घर जा रहा था, लेकिन वो बंदा कौन था वो मुझे आज तक नहीं पता चला, बड़ी गाड़ी में था वो और हम आपको इजी ले रहे थे अपने टाइम के बड़ी गुंडा है मेरे घर मोबाइल चोरी हो गया उसने हेलमेट उतारा तो ना दिया हुसैन थी। आपके साथ कोई पीछे होने का पीछे लगे कोई नहीं, मेरे साथ ही बहुत बड़े मजे आप बहुत पीछे लगे कि मैं
रात की तकरीबन डेढ़ दो बजे करीब हम शूट से वापस और कोई भी नहीं था, आपने कहा शिट यार मैंने और मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे पास काफी चीजें रखी थी, सामान रखा था, मेरा मोबाइल था, लैपटॉप था, और उस जमाने बहुत हो रही है। तो जैसे ही मैंने गाड़ी उसने मुझे ना गन पर आगे बाइक लेके आया और रोके तो मुझे था आप लोग वकार साहब सब गया। मैंने सिर्फ दरवाजा मैंने शीशा खोला कि मैं हमें दे दूं सब चीजें, तो उसने कहा अरे यार बुदूद भाई आप कहाँ गए, जाओ जाओ जाओ। आप सब देने के लिए तैयार थे जबकि उसने सब मांगा भी नहीं था, मोबाइल जो मोबाइल है चीजें बड़े सामने वो दे दो। अच्छा एंड में मुझे सिर्फ ऑनेस्टली बताइएगा, पांच ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मुझे उनका मेकअप करना पड़े। मेरे लिए लोग इतने मैटर नहीं करते, मेरी कलम तोड़ दिया, चेहरे बहुत इम्पोर्टेंट है कि चेहरा मैं अपनी मर्जी, कोई ऐसे नहीं होगा कि आप इसको क्यों ले लेते हैं यार। ऐसे कभी बहुत ऐसे लोग हैं होंगे उनके साथ क्या होता है कि मेरी अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा सेफ रखा, नहीं मुझे जो है वो एक पावर दी हुई है, मैं अपने मेरे लिए इनविजिबल करना देखो बहुत आसान। अच्छा अपने फेवरेट दो लड़के बता दें, फेवरेट लड़के, लड़कों का मैं बहुत कम मेकअप करता हूं। अच्छा फहद मुस्तफा, आई लव फहद, अच्छा मतलब फहद भाई जैसा जेन्युइन आदमी मैंने देखा ही नहीं, और वो आप मजेदार उसकी वो ऐप पढ़ने में मजा आता है, अमेजिंग आदमी है वो, ऐसा इंसान है कि हम शूटिंग कर रहे थे दस्का में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे खाना दस्का में तो आखिरी इलेक्शन ही और वो वहाँ पर बहुत वो ऑयली खाना वाना वहाँ बहुत पंजाब का, उसने वहाँ बाइक दिए इनको नहीं वो बिचारे मेरे लिए रात में जाके खाना बनवा के अपने होटल से लेकर आए, वाह ये खाना खाओ क्योंकि तुम वो खाना खाओगे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब हम साउथ अफ्रीका में थे तो मतलब वो वाहिद आदमी जो पूछते खाना खा लिया जंगल जैसी पार करेंगे इंसान तो एक्टर तो है ही बहुत अच्छे लेकिन वो इंसान बेहतरीन है, लेकिन ये बाकी लोग इतने अच्छे इंसान है, देखे बात बात पे इनाम देते हैं लोग हो जाए सच है वो सच है। आपके ख्याल में पांच बुरी तरीन मॉडल्स जिनको मॉडलिंग करनी चाहिए ले ले आज आज नाम ले ले, और जानती नहीं उनके नाम ये यार ना करे, सही बता रहे हैं कि आप बहुत सारी ऐसी मॉडल्स हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता और उनकी शक्लें भी मैं ये सब एक जैसी लग रही होती है, पार्टी हो रही है जैसे लड़की एक जैसी शक्ल है जैसे वो लड़की है, पहले अगर पार्टी हो रही है पांच शूट होती थी, शी इज नॉट अ मॉडल, वो बालों के एड में आ गई नहीं तो वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे लिया है ना उसको मीडिया इस बार बुनियाद क्या है मतलब वो भी जरूर मतलब या तो आप मॉडल हो सकते हैं या फिर सेलिब्रिटी हो सकते हैं दोनों में से एक्टर हो सकते हैं दोनों नहीं हो सकते पीआर तो अच्छी हो सकती है ना या भी ले जा सकता है तो वही बात आप कह रहे हैं ना हर हर जिसका दिल चाह रहा है वो मॉडल नहीं यही तो है पीआर नहीं आप अपने अपने ब्रांड के लिए लेंगे मतलब एंडोर्समेंट के लिए इनको कभी हां रियली तो आपको तो इतना पता है कि मॉडल होनी कैसी चाहिए उसके बाद नहीं बट मैं उसको एज अ मॉडल नहीं लूंगी ना यही वो हां मैं उसको एज अ मॉडल नहीं लूंगी मैं उसको एज अ फेस एज अ चेहरा जो कि सोशल मीडिया में एक पॉपुलर चेहरा है क्योंकि वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गई है ना वो सियासी बयान दिया हाँ सियासी बयान है ये नहीं नहीं सियासी बयान नहीं मैं जानती हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से अभी तो आपने कहा रैप आपको लगता है इमरान खान रैप मॉडल कर सकते हैं फिट ऐप बिल्कुल और वो जब करेंगे तो बल्कि मरियम नवाज भी कर सकते हैं बैलेंस कर दिया बैलेंस यानी आप बिलावल बल्कि सबके नाम ले लिए तो शेख रशीद का भी नहीं नहीं बहुत दिल है कि मैं मरियम नवाज की तरह मेकअप करूं अच्छा उसको मेकअप की जरूरत ही नहीं है मेरी अच्छे से कहीं शादी आदि का मेकअप तो जरूर करूं अच्छा तो आप मियां साहब का क्योंकि फिर से शादी हो जाए नहीं मियां साहब का मेकअप करने का दिल किस जा रहा होगा जो मुझे पसंद होते हैं जैसे फाद का नाम लिया ना कह रहे मर्दों का मेकअप नहीं करता सिर्फ फाद मुस्तफा का पसंद है तो एक मर्द हुआ ना मैं बेसिकली ज्यादा फीमेल का ही करता हूँ लेकिन होता है कि शूट पे कोई मेल की स्टाइलिंग वगैरह होती है लेकिन बहुत कम ज्यादा तो फीमेल्स की मेरा भी यही है ये भी ज्यादा होता नहीं था मैं मेकअप की आप पीछे की बात थैंक यू वेरी मच वकार आपको बहुत शुक्रिया थैंक यू नादिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया आप सारे मुद्दे आपने मेरे ऊपर रख के जो पूछ लिए सारी चीजें नहीं मैं तो ऐसी बात है मजेदार आपने बड़ी मजे की बातें बताई गन पॉइंट वाली बात में थोड़ी सी झूठ लग रही है कसम से बहुत मजे की थी क्योंकि मैं और उस जमाने में बहुत चल रहा था रमजान के दिन थे और बहुत इम्पैक्टेड ड्रामे का यार आप देखें ना ड्रामा मेरी खुदूसी साहब की बेवा के बाद ना मुझे
एज ए मेकअप आर्टिस्ट लोग जानते थे बट लेकिन पूरी दुनिया नहीं जानती थी। नहीं, वो फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका शो करने के लिए गया, वैरायटी शोज जो होते हैं उसके लिए। आपने सोचा नहीं मैं स्लिप हो जाऊं भाई? गया अमेरिका में जो लोग जानते हैं उन्होंने मार्वल में किंग पिन का रोल बहुत अच्छा किया। मुझे मुझे था कि अमेरिका में कौन पहचानता होगा, मैंने कहा लेके तो जा रहे हैं वहाँ पर बड़ी बेइज्जती होगी जब मैं स्टेज पे आऊंगा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन वहाँ पर वहाँ ज्यादा लोग देखते हैं। मैं और हिना जब स्केट करने आए तो बड़ा लोगों प्लस हिना आपके साथ उससे मुझे बहुत एज एन एक्टर मुझे उससे बहुत बूस्ट अप। आपने अंधेरे में देखा नहीं वो मोबाइल चोट नादिया थी? थैंक यू नादिया, थैंक यू वकार, थैंक यू भाई, दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे किसी और के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।